तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपकी इस बेहतरीन सी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के एक सबसे टॉप मॉडल में नॉर्मल वेरिएंट की। फेयरलेस मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, नॉन सनरूफ, चार वेरिएंट के साथ आती है, प्योर, स्मार्ट, क्रिएटिव और फेयरलेस। ये है फेयरलेस डुअल टोन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। तो जब इसके कंपटीटर की बात करते हैं तो महिंद्रा XUV 300, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों से ये कम्प्लीट करती है। और देखा जाए भाई, जिस हिसाब से ये गाड़ी 2023 मॉडल में आई है ना, अब ये सब कॉम्पैक्ट SUV में राज करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर है ना, नेक्सॉन का जो मार्केट है और भी बढ़ने वाला है। आइए हम बात करते हैं इस फेयरलेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो सबसे पहले की बात करेंगे भाई, तो ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है जिसमें आपको 4 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हिडन का फीचर मिल जाता है, यहीं से आप बूट को जो है अनलॉक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। यहां देखेंगे तो सबसे पहले टाटा का लोगो हो गया। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है एक फ्रंट में, और दोनों साइड आपको कैमरा मिल जाएगा, एक आपको रियर में कैमरा मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो गैपिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। जो इसका इंजन है ना, उस चीज़ को ठंडा करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज की गई है। सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट ऑफर की गई है। और यहाँ देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके फ्रंट में भी। और ये जो सिस्टम है ना, ये चीज़ जो यूज किया गया है ना, इस गाड़ी को और भी बेहतरीन बना दे रहा है। DRL के साथ साथ टर्न इंडिकेटर का यही काम करता है। और यहाँ पे जब आप नज़र डालते हैं तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ स्टॉप मॉडल में आपको कॉन्ट्रिंग, आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो एयर कर्टन का भी यूज़ किया गया है। ओवरऑल गाड़ी फ्रंट से ऐसी नजर आती है, ऐसी कुछ लुक निकल के आती है इसके साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले इस साइड में बेहतरीन जो लगता है इसका एलॉय व्हील। यहाँ देखेंगे तो ये जो DRS का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया ना, वही पैटर्न आपको एलॉय व्हील पे देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का जो एलॉय व्हील है ना, काफी बेहतरीन लगता है। 215/60 और 15 इंच के 16 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं, और आपको पूरे एक्सटीरियर में ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गाड़ी साइड से ऐसी नजर आती है भाई, देख सकते हैं साइड मोल्डिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। डोर पे देखेंगे तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विथ रिवर्स सेंसर के साथ। ऊपर जब आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की आपको रूफ रेल ऑफर की गई है। ये है कि सनरूफ इसमें नहीं मिलेगा, सनरूफ लेने के लिए आपको फेयरलेस प्लस एस में जाना पड़ेगा। और इसका भाई रियर प्रोफाइल, इस गाड़ी का जब आप रियर प्रोफाइल देखते हैं तो फ्रंट से कहीं ज़्यादा अच्छी तो ये रियर से रखती है। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप गाड़ी को लॉक लॉक करते हैं ना, तो ये जो एमिनेशन बन के आता है काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो कनेक्टेड आपको टेल लैंप मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, ये पूरा आपको कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है। ये हो गया इसका रिवर्स लैंप, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, नेक्सॉन लिखा गया 3D में, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का यह काम होता है कि 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो गाड़ी आपको टू टू करके बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट का भी यूज किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो रिफ्लेक्टर भी आपको ऑफर किए गए हैं। 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। को इसका बूट चेक करवा देते हैं, आप यहीं से जो इसका बूट है वो अनलॉक कर सकते हैं। तो करते हैं भाई बूट को अनलॉक। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे के साथ साथ 3-3 kg का हुक ऑफर किया गया है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट ऑफर की गई है, बूट लाइट के साथ साथ काफी स्पेसियस आपको बूट ऑफर किया गया है। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको हिडन वाइपर ऑफर किए गए हैं। बाहर से काफी अच्छी दिखती है और काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं। व्हाइट कलर के साथ आपको ऐसा रूफ आपको मिल जाएगा। आइए ले चलते हैं इसके इंटीरियर में। और भाई जो इंटीरियर में कमाल किए गए हैं ना, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सबसे पहले अब की का कोई काम नहीं है, ये अपनी जेब में रख लीजिए। जेब में रखने के बाद आप यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो गाड़ी को करते हैं भाई अनलॉक। और यहाँ पे जब आप नजर डालते हैं तो ये चीज़ आप देखिए, क्रोम डोर हैंडल्स, चारों पावर विंडो के साथ साथ चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश का यूज़ देखने को मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर के साथ साथ बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। ORVM को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप इसके सीट पे नज़र डालते हैं तो पूरा फुल तरीके से फैब्रिक मिलेगा, हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन यहाँ पे ऑफर किया गया है। ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब आपको ले चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में ही तो सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो सबसे पहले डोर को कर लेते हैं बंद और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टीयरिंग पे नजर डालेंगे तो ये पूरा फुल तरीके से आपको लेदराइट मिल जाएगा। बीच में आपको टाटा का लोगो ऑफर किया गया है, ये डिस्प्ले है। जैसे ही आप इसे बंद करते हैं तो ये गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल के साथ साथ आप यहीं से MID के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पर आपको TPMS के साथ गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप AB, नेविगेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जो भी गाड़ी के इंफॉर्मेशन है ना, आप इस MID पे चेक कर सकते हैं। और ये भी आपको 10.2 इंच का मिल जाता है पूरा फुल तरीके से स्क्रीन। जब आप यहां से मोड वगैरह चेंज करेंगे
तो वो चीज़ आपको इसमें दिख जाएगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको MID ऑफर की गई है। स्टीयरिंग जो आप देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी बेहतरीन सा यूज किया गया है। जिस हिसाब से 2023 जैसा साल चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में होना काफ़ी ज़रूरी था। यहाँ पे आपको हेडलैम्प से कंट्रोल्स, यहीं पे आपको वाइपर से कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहीं पे आपको वैटी मिरर ऑफर की गई है, ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिल जाता है, LED लाइट के साथ साथ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक भी ऑफर की गई है। ऐसा कोई सिस्टम है। अब भाई नज़र डाल लेते हैं इसके हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में। लोगों को काफ़ी शिकायत थी इसके कैमरे को लेकर और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेकर, तो भाई टाटा वो चीज़ सुन ली है। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसमें आपको 10.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी के साथ साथ नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जो आप टच रिस्पॉन्स वगैरह की बात करेंगे भाई, तो थोड़ा सा आपको स्लो देखने को मिल जाता है। यहीं से अगर जो आप बैक करेंगे, आप यहीं से क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन और फोन सेटिंग वगैरह, इमेज मीडिया वगैरह के साथ साथ सारे सिस्टम ऑफर किए गए हैं। यहीं से आप इसका जो सराउंड व्यू कैमरा है वो चेक कर सकते हैं। जब आप यहीं से 3D में करते हैं तो ये जो गाड़ी का ओवरऑल सिस्टम है वो आपको दिखाता रहेगा कि गाड़ी के चारों तरफ क्या ऑब्जेक्ट है, कौन खड़े हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता है। 2D पे आप करके ये हो गया इसका फ्रंट कैमरा, आप यहीं से देख सकते हैं इसका रियर कैमरा, ये हो गया इसका लेफ्ट वाला कैमरा, यहीं से आप देख सकते हैं इसका राइट वाला कैमरा। भाई जो कैमरे का खेल हुआ करता था ना, अब इस टाटा नेक्सॉन में वो चीज़ नज़र आएगा। तो 3D में ऐसा कुछ व्यू नज़र आता है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है। डुअल टोन के साथ आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपको लेदर फिनिश का यूज किया गया, सिल्वर फिनिश का ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं और डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है। ये जो इसका रूफ है वो आपको ऑल ब्लैक देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे भाई, तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूरिंग, सीट बेल्ट वार्निंग, काफ़ी कुछ सेफ्टी फीचर का अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको ये जो पैनल है पूरा टच देखने को मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल्स आप यहीं से फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहीं से आप फॉग लैंप को ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो हज़ार लाइट ऑन कर सकते हैं, बूट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। पावर डोर लॉक के साथ साथ 360 डिग्री कैमरे का व्यू देखना हो तो आप यहीं से बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद ये एक्सप्रेस कूलिंग का मोड आपको मिल जाएगा, कोई भी मोड वगैरह चेंज करना है, किस ब्लोअर की आपको हवा चाहिए तो वो सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। और यहाँ देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट के साथ साथ टाइप सी का भी ऑप्शन ऑफर किया गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ड्राइव के हिसाब से आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइन होता दिख जाएगा, और ये हो गया सिटी मोड, ये हो गया इको मोड। लेडी भी बोलती है पर थोड़ा स्लो बोलती है, कभी कभी बोलती है, तो वो चीज़ क्या लैग है कि क्या है उतना तो कंफर्म नहीं हो पा रहा, पर ये है कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। और फेयरलेस मॉडल में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, एवरेज भी ऑफर किया गया है स्टोरेज के साथ में। तो ऐसा कोई सिस्टम है। और कोई भी ऑब्जेक्ट टच होने वाला है तो येलो हो जाएगा, और एकदम जब टच होने वाला रहेगा तो ये रेड भी हो जाता है। पर्सनली बताऊं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका रियर सीट कंफर्ट, लेगरूम, हेडरूम कैसा है। हाइट की अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है, बोटर होल्डर, पेपर होल्डर, सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। सीट की बात करेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है कप होल्डर के साथ। आइए बैठते हैं भाई। तो गाड़ी में नो डाउट काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, और 60 और 40 का सीट मिल जाएगा। सेंटर में आपको 2 AC बेंड्स ऑफर किए गए हैं, USB पोर्ट के साथ साथ टाइप सी का ऑप्शन ऑफर किया गया है, और ऐसे कुछ लुक निकल के आती है इसके रियर से फ्रंट प्रोफाइल की। ये देखेंगे तो फेयरलेस ये डुअल टोन में है, व्हाइट के साथ जो आपको ब्लैक कलर का रूफ मिलेगा, तो इंटीरियर भी आपको पूरा ऑल ब्लैक देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ नज़र आती है रियर से। आइए भाई हम आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। तो भाई ये रहा 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर V6 इंजन। अगर जो आप इसकी पावर की बात करेंगे तो 118 BHP की पावर, 170 NM का टॉर्क निकालता है। अगर जो आप माइलेज की बात करेंगे तो कंपनी आपको 18 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।